हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में सावन माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, 24 जुलाई या 25 जुलाई। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे सही तिथि, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय और इस दिन धन प्राप्ति के लिए, कार्यों में सफलता प्राप्ति के लिए, राहु केतु दोष दूर करने के लिए किए जाने वाले खास उपाय। दोस्तों, सावन महीने की चतुर्थी बहुत ही खास होती है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सावन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है। इस दिन सभी देवी देवताओं के प्रथम पूजे जाने वाले गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना होती है, क्योंकि जो चतुर्थी तिथि है वो भगवान गणेश जी को समर्पित है और गणेश जी केतु ग्रह के देवता हैं। हिंदू धर्म में गणेश जी की पूजा बेहद कल्याणकारी मानी गई है। माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा करने से साधक के जीवन में सभी प्रकार के कष्टों का अंत होता है, राहु केतु दोष दूर होते हैं, ग्रह दोष दूर होते हैं और साथ ही जीवन में शुभता का आगमन होता है। हर महीने की चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। दोस्तों, सावन भगवान शिव का, भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। ऐसे में इस माह में आने वाली चतुर्थी बेहद खास होती है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे सावन संकष्टी चतुर्थी व्रत कब है, 24 जुलाई या 25 जुलाई। ये कन्फ्यूजन दूर करेंगे, जानेंगे शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और चंद्रोदय का समय और साथ में जानेंगे राहु केतु दोष दूर करने के लिए, ग्रह दोष दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए और सभी मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सावन संकष्टी चतुर्थी मनाई जाती है और 22 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है। इस दिन सभी देवी देवताओं में प्रथम पूज्य जाने वाले भगवान गणेश जी की विशेष रूप से पूजा अर्चना होती है और व्रत किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने से, व्रत रखने से सभी प्रकार के संकट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। संकष्टी चतुर्थी के दिन अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं तो कुछ खास उपाय करके भगवान गणेश जी की विशेष कृपा प्राप्त की जा सकती है, जिससे जीवन में सुख समृद्धि, धन, वैभव, सफलता और यश की प्राप्ति होती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सावन की पहली संकष्टी चतुर्थी का व्रत का मुहूर्त क्या है। दोस्तों, पंचांग के अनुसार सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 24 जुलाई को सुबह 7:30 पर शुरू होगी और इसका समापन अगले दिन यानी कि 25 जुलाई की सुबह 4:19 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार सावन की पहली संकष्टी चतुर्थी का व्रत 24 जुलाई बुधवार को किया जाएगा।
इस दिन चंद्रमा की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है, इसलिए इस दिन चंद्रोदय के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। इस दिन चंद्रमा की पूजा अर्चना करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है और कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है। सावन की पहली संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय 9:38 पर होगा। तो अगर आप व्रत रखते हैं तो इस शुभ मुहूर्त में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं सावन की गजानन संकष्टी चतुर्थी की पूजा विधि। दोस्तों, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत का संकल्प जरूर लेना चाहिए और भगवान गणेश जी की पूजा करते समय लाल या फिर पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्यदेव को अर्घ्य दें और शास्त्रों के अनुसार चतुर्थी तिथि जो है भगवान गणेश जी को समर्पित है, तो चतुर्थी की जो पूजा है वो दोपहर में करने का विधान है। इसलिए जो मैंने आपको शुभ मुहूर्त बताए हैं, पूजा के शुभ मुहूर्त में पूजा स्थल को शुद्ध करके गंगा जल से पवित्र करके गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें और प्रतिमा को गंगा जल से स्नान कराएं, तिलक करें, पीले वस्त्र, पीले फल फूल, धूप दीप, कपूर, अक्षत और उनका प्रिय दुर्वा, ये सभी चीज़ें अर्पित करें और लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। अब गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और व्रत कथा पढ़ें या सुनें और फिर अंत में आरती करें। रात्रि में चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। आइए जानते हैं संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन से हैं। दोस्तों, अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत के साथ साथ आप ये काम, ये उपाय कर सकते हैं, और व्रत नहीं रख सकते हैं तो भी आप गणेश जी की कृपा पाने के लिए ये उपाय जरूर कीजिएगा। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेश जी को 21 लड्डुओं का भोग लगाएं और अगर आपके वहाँ मोदक अवेलेबल हैं तो मोदक का भोग लगाएं, क्योंकि भगवान गणेश जी को मोदक बहुत प्रिय हैं। मोदक या लड्डू का भोग लगाने से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। ध्यान रखिएगा कि गणेश जी को भोग लगाते समय ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रोम स बुद्धाय नमः इस मंत्र का जाप करें। इस उपाय से यदि कुंडली में बुध ग्रह कमजोर है तो लाभ मिलता है और आंकड़े का फूल भगवान शिव और गणपति दोनों को प्रिय है। तो यदि सावन की संकष्टी चतुर्थी पर आपके मुख्य दरवाजे पर आंकड़े की जड़ काले, मतलब अगर आपके पास आंकड़े का पौधा अवेलेबल है तो उसकी जड़ काले कपड़े में बांध कर रखें। ऐसा करने से धन आगमन के मार्ग खुलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप ग्रह दोष से परेशान हैं, राहु केतु दोष से परेशान हैं, तो ग्रह दोष और राहु केतु जनित दोष शांत करने के लिए, हर कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए सावन के संकष्टी चतुर्थी के दिन ओम दुर्मुखाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो भगवान गणेश जी हैं वो केतु ग्रह के देवता हैं, इसलिए गणेश जी की पूजा करने से, गणेश जी की आराधना करने से, व्रत रखने से राहु केतु दोष से मुक्ति मिलती है। तो अगर आप ग्रह दोष या राहु केतु दोष दूर करना चाहते हैं तो विनायक चतुर्थी या संकष्टी चतुर्थी के दिन ओम दुर्मुखाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ऐसा करने से सभी तरह के दोष दूर होते हैं और यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं तो सावन की संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी को 11 दुर्वा की गांठें अर्पित करें और गणेश अथर्वशीष का पाठ जरूर करें। ऐसा करने से बिगड़े काम बनने लगते हैं
और सभी दुख दूर होते हैं, सभी कष्ट दूर होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पास धन की कमी है, धन प्राप्ति के लिए सावन संकष्टि चतुर्थी के दिन श्री अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा करने से धन की प्राप्ति होती है, संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती है, क्योंकि दोस्तों ये उपाय जो है ये धन देने वाला माना गया है। तो गणेश जी की पूजा के साथ साथ अष्टलक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, लक्ष्मी माता की पूजा जरूर करें। और एजुकेशन में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने के लिए, यानी कि जो लोग स्टूडेंट हैं, जो लोग विद्यार्थी हैं या शिक्षा प्राप्त करने के मार्ग में जिनको बाधाएं आ रही हैं, तो गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन व्रत रखें। ऐसा करने से पढ़ाई के मार्ग में, शिक्षा के मार्ग में आने वाली सभी बाधाएं दूर होंगी और गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी। इसके अलावा भगवान गणेश जी के साथ साथ शिव जी की पूजा जरूर करें, क्योंकि दोस्तों सावन का महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को अति प्रिय है। वैसे तो संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश जी को समर्पित होती है, लेकिन सावन की संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा के साथ साथ भगवान शिव की पूजा करना विशेष फलदायक होता है। सावन की गणेश संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी के साथ साथ शिव जी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण होती है और जो पूजा का फल है वो दोगुना प्राप्त होता है और सुख सौभाग्य और वैभव की वृद्धि होती है। इसके अलावा सावन की संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी को 11 दुर्वा की गांठें अर्पित करें। ऐसा करने से कैरियर में तरक्की के योग बनते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरया।